दोस्तों, हम बालचरण यादव और साथी रामा कंपनी के सौजन्य से एक गाना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बनारस का कांड, नया नया कांड है जो कि बनारस से नहीं पूरे पूर्वांचल के लोगों का दिलो दिमाग को झकझोर करके रख दिया है। दोस्तों, चार लाइन भूमिका है। क्रोध की आग से जल गया बागवा, बंद धड़कन हुई कारवा चल दिया। जंग का रंग मानो बदल ही गया, रो रहे आज परिजन कहां चल दिया। शोक संवेदना व्यक्ति कैसे करूं, क्योंकि शासन दुशासन का हो ही गया। क्या विधाता यही तुझे मंजूर था, जो लिखा था यहाँ आज हो ही गया। मास्टर एक्शन, नई नई कव्वाली पेश बा। अरे जा बेवफा जा, अरे जा बेवफा जा, तुझे प्यार नहीं करना। लेकिन गाना में क्यों मेरे बंदे, अरे क्यों मेरे बंदे, तुझे यहां नहीं रहना। तुझे यहाँ नहीं रहना, क्यों मेरे बंदे, तुझे यहाँ नहीं रहना, क्या मेरे बंदे, तुझे यहाँ, क्या मेरे बंदे, तुझे यहाँ नहीं रहना। ए भैया, जैसे कहानी का शुरुआत बा। फूलन के मरने का जब की समाचार मिला, कहीं बेचक्का जाम गोली का बौछार मिला। डाफी सीर में भी भारी अब तनाव हुआ, पार्टी विशेष पर पुलिस से मन मुटाव हुआ। केपी यादव मनोजर आय कायला न हुआ, केपी यादव मनोजर आय कायला न हुआ, प्रधान सरकारियों का जहां चक्का जाम हुआ। पारस यादव समाजवादी का सिपाही था, स्वच्छ विचारधारा का खुद हमरा ही था। पुलिस की गोली से पारस की हालत बिगड़ी है, दाफी लंका सिर गोदौलिया भी उमड़ी है। ए भैया, 25 जुलाई को नई दिल्ली में फूलन देवी की हत्या के विरोध में पूरा देश शोक सागर में डूबा हुआ था।
हर जगह तोड़ फोड़ चक्का जाम नाराबाजी प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें मुख्य रूप से मिर्जापुर भदोही, विशेषकर बनारस में सीर करहिया डाफी में स्थिति गंभीर बनी हुई थी। लोग सरकार के खिलाफ नाराबाजी प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं चक्का जाम कहीं पर तोड़ फोड़ कर रहे थे। यह घटना 26 जुलाई की है, जब पूरा शहर अशांत था। डाफी सीर में समाजवादी पार्टी के मनोज राय पप्पू, केपी यादव, जिला अध्यक्ष आत्माराम यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता शासन प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कि भेलूपुर लंका की पुलिस प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर दिए। जवाब में जनता की भीड़ के तरफ से भी पथराव शुरू हो गया। स्थिति बेकाबू देखकर पुलिस गोली चला देती है। किसी का हाथ, किसी का पैर टूट गया, कितने घायल हुए। पुलिस की गोली से सिर का रहने वाला पारस यादव उर्फ कत्तल यादव घायल होकर गिर पड़ता है। आखिरी सांसें चल रही हैं। उसी समय हाथ जोड़कर पारस यादव एक बात कहता है। क्या कहा भैया? माँ जियो। बाप सरजू है बा कोन दुलहिन का दुल्हा परदेश में होवन। दुलहिन बेचारी घरे सोचत बा का सोचलस भैया? माँ कि तरस लखिया तोहरे असरा हे राजा जी, कौनो बहाना ऐसा पजरा है राजा जी। गाना में कवि जी लिखले हो गोलिया से घायल बारस सबके समझावेले, कदम हदाया जी न सबके बतावेले। गोलिया से घायल बारस सबके समझावेले, कदम हदाया शासन के खिलाफ लड़ा अच्छा है झूला फांसिया। अरे के पिया तो पारस के गोदी में उठावेले, के पिया तो पारस के गोदी में उठावेले, कदम हदाया दिन सब के बतावेले। दोस्तों मैं तो अब इस दुनिया से जा रहा हूँ। पारस रोकर कहते हैं, मैं तो इस दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपना कदम पीछे मत हटाइएगा। इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, जहाँ आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है। चारों तरफ लूट मार, बलात्कार, जुल्म, शोषण का तांडव हो रहा है। ये आवाज मेरी नहीं है, समाजवादी पार्टी की है, मुलायम सिंह यादव की है। इतनी बात कह करके पारस इस दुनिया को छोड़ दिया। तर्ज बदल गिल मास्टर जियो, तैयारी में भैया। वह तर्ज बाजुन भैया तैयारी में। तर्ज वह बा एक प्रेमी अपने प्रेमिका से कहलन, का कहलन? गोरी तोरी कम्बर बा मालगाड़ी रे, गोरी तोरी कम्बर बा मालगाड़ी रे, तोहके पियाई बिखरीर गाड़ी रे। जनता करती है क्या? लसिया सुताए रास्ता जाम किए रे, अरे लसिया सुताए रास्ता जाम किए रे, श्रद्धा सुमन से सलाम किए रे।
हो लाश पुलिस थाने ले आई, लावारिस बता कर के त्याल जलाई, त्याल जलाए हो त्याल जलाए हो त्याल जलाए। जुल्मा या न्याय वाला काम किए रे, जुल्मा या न्याय वाला काम किए रे, श्रद्धा सुमन से सलाम किए रे। लाश को लोग सड़क पर रख कर चक्का जाम कर दिए। खबर पा करके जिले के तमाम बड़े अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचने लगे। उसके पहले ही पुलिस पारस की लाश को लावारिस दिखाकर जला देती है। यह देखकर स्थिति और बिगड़ गई। उसी समय पुलिस के पी यादव मनोज राय पप्पू सहित पारस के भाई इन लोगों को 15 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। तो कहना है तर्ज बदल गई भैया। बाठे दुल्हन का दुल्हा परदेश में कुहाए के चल गईलन। पता है कहाँ चल गईलन? वो दुल्हन बेचारी कहत बा का कहे का? केहू दियारा दून जाला, केहू दियारा दून जाला, केहू जाला झरिया अजनाला ना मोर पियावा गईले कौनी वरिया। लेकिन गाना में सुन के खबरिया तब रोब बार वरवा, बतावा लोगन भैया कहां गईल मोर हीरावा, बतावा लोगन भैया कहां गईल मोर हीरावा। मई बगलाई गईली रोवली बहिनिया, बतावा लोगन भैया कहवा गईल मोर हीरावा। यह खबर पारस के परिवार के लोगों को मालूम होती है। उनकी बुढ़िया माँ जब सुनती है बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। मुंह पर लोग पानी का छींटा देते हैं तो उस माँ की आंख खुली तो वह ये कही बात कह करके रोती हैं कि हमार परसा कहाँ गयल के मरलस, जल्दी बोलावा लोगों। ए भैया ये रो के कलिन है, लेकिन भैया टेरी के भाव लगल कहना है। अरे अंबारी को भी बसीना आ गया, अरे अंबारी को भी बसीना आ गया, अरे रो दिया जब भी लख कर काशी और मदीना, अरे मदीना अरे मदीना। भैया दोस्तों, ऐसा जुल्म देख करके धरती आसमान सूर्य चांद तारे सभी रो रहे थे। काशी कैलासी की नगरी में जहां 5-5 यूनिवर्सिटियां हैं, महात्मा बुद्ध का धार्मिक स्थल सारनाथ, बगल में स्वर्गीय काशी नरेश का किला जहां देश विदेश से लोग दर्शन के लिए आते हैं, ए भैया उस काशी की हालत ये हो गई है। कहां गया है? कहा गया है कि बाबा भोलेनाथ की नगरी त्रिशूल पर स्थित है। आज भोलेनाथ के भी आंखों में आंसू आ गया। दोस्तों कहना है कि तर्ज बदल गेल। एक जानी परदेश गईलन सिपाही में भर्ती हुए बदे। आज जब गईलन तो यात्रा उनकर सफल हो गई, भर्ती हो गईलन। आज जब भर्ती हो गईलन तो दुल्हन कहत बा कैसे अपने दुल्हन से कहलन भैया का? वह तर्जबा की बाए गाल के चुम्मा ले हलसा गाइल गोरिया पाए गाइल, हम सिपाही के नकारिया पाए गाइल, हम सिपाही के नकारिया
बहन रो रही है और रो कर कह रही है कि रोवली बहनिया गावा छोड़ गईला बीरना फाट छतिया इका गईला मोरे बिधना फाट छतिया समय में भैया मुहावा न देखली अरे पारस के शोक में बनारस बंद भाई अरे माई के बुढ़ाई आगे सुन कैला आंगना गैला मोर बिधना फाट छतिया बहन रो रही है और कह रही है कि भैया हमसे का वादा कह के गल रहला कि बहन अब की रक्षाबंधन के त्योहार पर तोहके राखी बधाई ऐसन चीज देव कि तू जिंदगी भर मुझे याद करोगी का भैया कहाँ चल गईला के देही राखी बधाई के राखी बांधव एक भैया तो जेल में बंद हुआ कुछ बोला भैया मैं नहीं समझ पाई कि राखी बधाई क्या यही देंगे मुझे गम दोस्तों रो रही है कैसे भाव लगल अरे के पियो मनोजा संग में असव कार्य करता हो अभी लगी अबरिया मुलायम सिंह बीरनावा हो अल अमर सिंह शिवा बल दे भैया लाश लवारी जलाने के विरोध में लोग काफी हंगामा किए यह घटना की जानकारी माननीय नेताजी को लगी तो राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह तथा शिवपाल यादव को बनारस भेजते हैं ये लोग शोक संतप्त परिवार के लोगों से मिलते हैं और बंद नेताओं से भी मुलाकात करते हैं और शांति बनाने की अपील करते हैं एटे तर्ज लगल भैया एक दुल्हन अपने दुल्हा से कहलिन का कहलिन हर घर में हो परदेसी संज्ञा अरही कौन कैदार ये हर घर में हो लेकिन गाना में 10 लाख मांगे नौजवान पटियम साहब कर दायला पारस के परिवार के लोगों की सहानुभूति मिलने लगी और लोग बनारस के डीएम साहब से उस मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए की मांग करते हैं और दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाने की मांग करते हैं भावलगल पापड़ में कैसे दिया अरे घर में घुसी के पुलिस गईला सिमाना मानी बतिया बिगड़ल बाप आज काशी गदू बल चमकत पानी बतिया बिगड़ल बाप बंद
कैले पुलिस अभिमानी बतिया बिगड़ल बा। ए भैया कहना है लेकिन वाह रे प्रशासन, सिर डाफी में घर घर तलाशी ली गई, औरतों को परेशान किया गया, लाठी डंडे से पीटा गया, मालूम पड़ रहा था जैसे अंग्रेजी हुकूमत का शासन हो गया है। भाव लिखे कवि जी, कैसे भैया? आल्हा में कैसे भैया? जियो जियो भैया। किलावारी सलासिया, अरे बना के सब जरा वाला बाबू, बड़का भाई आगे दिहला जला भाई मेटा, अरोवली माई दबा पीट पीट छतिया भैया, पुलिस कैला जुलमा दबा अब बहुत बारिया, धरना भैया, अरे शिवपाल अमर सिंह सभा, अरे दोषियों को जल्दी सजा मिल दुनिया में भैया, दिल्ली से किया है जेल में बंद पारस का भाई रो रहा है, धिक्कार है मेरे जवानी को, मैं जिंदा होकर के भी अपने भाई का क्रियाकर्म नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है पुलिस मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। ए भैया एक बात कहना है, कैसे भैया? जियो। ए भैया मुलायम सिंह की ललकार है, उनका कहना इस सरकार के खिलाफ एक बात, क्या कहना है मास्टर? मा। अरे दिल्ली में मुलायम सिंह ऐलान कैले, आज दलितों के मुलायम भगवान भइले, दिल्ली में मुलायम सिंह ऐलान कैले, आज दलितों के मुलायम भगवान भइले, बदनाम भइले, आज दलितों के मुलायम भगवान भइले, प्रदेश बंद कैलनवा सफल बनाए सोख डूबल हो गगनवा, यूपी के सिंहासन बदनाम भइले, आज दलितों के मुलायम भगवान भइले। एक बात और कहना है, कैसे भैया? कि समाजवादी का झंडा गगन लहराई, अरे तब गरीब बावन के दुखावा वराई, यादों का कहना है समाजवाद का झंडा गगन लहराई, तब गरीबवन के दुखवा उराई, अरे रोबा बुढ़िया माई अधरम, रोबा बुढ़िया माई घर वीरान भइला, आज दलितों के मुलायम भगवान भइला, माननीय नेताजी का कहना है इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ 9 अगस्त को प्रदेश बंद का आह्वान किए, जो कि काफी सफल रहा। ऐ भैया और एक बात कहना है आखिरी लाइन में, कैसे भैया? तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल मरबागा, सरगा चंद्रगा कवि बचन का विजय बदागा,
सीना या